नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ KKR न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 30 सालों से शमशान में सेवा दे रहे योगेश ने बताया है कि कोरोना पेशेंट को उनके घर वाले भी कंधा नहीं देते, तो हमें उन्हें उठाकर चिता पर रख उन्हें अग्नि देना पड़ता है। योगेश जी, आप शमशान में सेवाएं दे रहे हैं, कब से सेवा दे रहे हैं? हमें होगा 25-30 साल, पिताजी के टाइम से हम छोटपन से आते हैं, दादाजी थे जब हमारे यहाँ उस टाइम से। तो पिताजी ने क्या है, हम पढ़ाई भी करते थे उस ज़माने में, लेकिन अब क्या थोड़ा मन पापा जी ने यहाँ लगा दिया, तो पता नहीं कुछ ऐसी सेवा मन में भरा गई कि इधर ही की सेवा में हम ऐसे लगे कि फिर वो पढ़ाई से थोड़ा थोड़े दूर हो गए हम, तो यहीं हम इतना समय हो गया। मरीज आते हैं, उनको आप कैसे वो करते हैं? हम उनको करते हैं कोरोना वालों को, जैसे उनका पेशेंट में बहुत कमी लोग हाथ लगा पाते हैं, अब ऐसे भी आते हैं कि जो दूर बैठ आते हैं बस आए और दूर दूर, लेकिन हम तो अपना समझकर उनको बेचारों को क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे कांधा तक नहीं देते उनको, फिर अपने हिसाब से उनको उठा करके लकड़ी पर रखवा के पूरा उनकी लकड़ी की चिता पूरी कंप्लीट करवा के फिर अग्नि वगैरह हम करवाते हैं। क्या लगता है कि लॉकडाउन खत्म होना चाहिए या बीमारी खत्म होनी चाहिए? ना चाहिए मैम, लॉकडाउन भी खत्म हो, बीमारी भी जल्दी खत्म हो, के सब अच्छे हो, मालिक सबको अच्छा करे, हम तो यही दुआ करते हैं साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे।